हेलो फ्रेंड्स, बालाजी भाई एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करेंगे क्लास मैमेलिया से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पॉइंट आउट द मैमेलियन कैरेक्टर्स। मैमेलियन कैरेक्टर्स को पॉइंट आउट करिए। ऑप्शन ए है वर्टिब्रल कॉलम, फोर चैम्बर्ड हार्ट, लंग्स। ऑप्शन बी हेयरी स्किन्स, बी पैरिटी मेमरी ग्लैंड। ऑप्शन सी है पेन गिल्स, बी पैरिटी। ऑप्शन डी किडनी, लंग्स, फोर चैम्बर्ड हार्ट। तो इनमें से जो मैमेलियन कैरेक्टर्स हैं वो है हेयरी स्किन, बी पैरिटी एंड मेमरी ग्लैंड। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी हेयरी स्किन, बी पैरिटी मेमरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल्स। निम्नलिखित में से कौन एक अंडा देने वाला मैमल्स है। ऑप्शन ए टेरोपस, ऑप्शन बी पार्क्यूपिन, ऑप्शन सी पेंगुलिन, ऑप्शन डी टैकीग्लॉसस। तो इनमें से जो अंडा देने वाला मैमल है वो है टैकीग्लॉसस। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी टैकीग्लॉसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग मार्सुपियम मीन्स जानवरों का एक समूह जिसमें मार्सुपियम पाया जाता है या मार्सुपियम जो रखता है। ऑप्शन ए यूथेरिया, ऑप्शन बी प्रोटोथेरिया, ऑप्शन सी मेटाथेरिया, ऑप्शन डी मोनोट्रिमाटा। तो जानवरों का उस समूह जिनमें मार्सुपियम पाया जाता है वो है मेटाथेरिया। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर सी मेटाथेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंटेलिजेंट एपिज, सबसे ज्यादा बुद्धिमान एपी है। ऑप्शन ए है गोरिल्ला, ऑप्शन बी चिंपैंजी, ऑप्शन सी है ओरांगुटान, ऑप्शन डी है गिब्बन। तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो ऐप है वो है चिंपैंजी। तो इस लिस्ट में से होगा ऑप्शन नंबर बी चिंपैंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लास ऑफ द फाइलम टू व्हिच बैट्स बिलोंग्स मींस फाइलम का कौन सा क्लास है जिसके अंतर्गत बैट जिससे बैट संबंधित है, चमगादड़ संबंधित है। ऑप्शन ए कायरोप्टेरा, ऑप्शन बी मैमेलिया, ऑप्शन सी एबीज, ऑप्शन डी प्रोटोथेरिया। तो फाइलम का वो क्लास जिसके अंतर्गत या जिससे बैट या चमगादड़ संबंधित है वो है मैमेलिया। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर बी मैमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार सिस्टम इज फाउंड ओनली, सोनार सिस्टम सिर्फ इसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए बैट, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो सोनार सिस्टम सिर्फ पाया जाता है बैट्स में। तो इस लिस्ट में से वो ऑप्शन नंबर ए बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पैरिटी इज फाउंड इन, बी पैरिटी पाई जाती है। ऑप्शन ए रैबिट, ऑप्शन बी लिजर्ड, ऑप्शन सी स्नैक्स, ऑप्शन डी फ्रॉग। तो बी पैरिटी पाई जाती है रैबिट में। तो इस लिस्ट में सही ऑप्शन नंबर ए रैबिट। जो रैबिट होता है वो बच्चे को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैमल्स इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स इन द मींस मैमल्स स्तनधारी जो कि रेप्टाइल्स से विकसित हुए थे। ऑप्शन ए क्रेटेशियस, ऑप्शन बी ट्राइसिक, ऑप्शन सी डेवोनियन, ऑप्शन डी कार्बोनिफेरस। तो रेप्टाइल से जो मैमल्स इवॉल्व हुए थे, विकसित हुए थे, वो ट्राइसिक पीरियड में हुए थे। ट्राइसिक में से जो एक एरा के ट्राइसिक पीरियड में रेप्टाइल से मैमल्स इवॉल्व हुए थे। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर बी ट्राइसिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैमल व्हिच ले एग्स इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू ऑफस्प्रिंग मींस एक मैमल्स जो कि अंडे देता है बच्चे के जन्म देने के बजाय अंडे देता है। ऑप्शन ए है रैबिट, ऑप्शन बी है मैक्रोपस, ऑप्शन सी डकबिल प्लेटिपस, ऑप्शन डी है व्हेल। तो इनमें से जो मैमल्स जो कि अंडे देता है और वो बच्चों के जन्म देने के बजाय अंडे देता है वो मैमल्स है डकबिल प्लेटिपस। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी डकबिल प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासेंटा इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन, प्लासेंटा यूनिवर्सली
उपस्थित होता है, पाया जाता है? ऑप्शन ए है प्रोटोथेरिया, ऑप्शन बी यूथेरिया, ऑप्शन सी रेप्टाइल, ऑप्शन डी एबीज। तो प्लासेंटा पाया जाता है यूथेरियंस में, तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर बी यूथेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मैन एंड मंकी बिलोंग टू द सेम। गोरिल्ला, चिंपैंजी, मैन और मंकी ये सब एक ही ग्रुप से या संबंधित हैं। ऑप्शन ए ऑर्डर, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी जीनस, ऑप्शन डी स्पीशीज। तो गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी और मैन जो कि एक ही ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, एक ही ऑर्डर से संबंधित हैं, तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर ए ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकेडिना इज, इकेडिना है, ऑप्शन ए रेप्टाइल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रेप्टाइल्स ऑफ अफ्रीका, ऑप्शन डी मैमल्स ऑफ अफ्रीका। तो इकेडिना जो है एक प्रकार का मैमल्स है ऑस्ट्रेलिया का, तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर बी ए मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोरिंकस इज, ऑर्निथोरिंकस है, ऑप्शन है ए फॉसिल्स बर्ड, ऑप्शन बी डक, ऑप्शन सी मोनोट्रेम्स मैमल्स, ऑप्शन डी डायनासोर। तो ऑर्निथोरिंकस एक प्रकार का मोनोट्रेम्स मैमल्स है, तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर सी मोनोट्रेम मैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर पिन्ना इज फाउंड इन, ईयर पिन्ना पाया जाता है, ऑप्शन ए रेप्टाइल, ऑप्शन बी मैमल, ऑप्शन सी एबीज, ऑप्शन डी ऑल वर्टिब्रेट्स। तो ईयर पिन्ना पाया जाता है सभी मैमल्स में, तो इस लिस्ट से ऑप्शन नंबर बी मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ टूथ बलीन हैंगिंग हॉर्नी प्लेट इन माउथ आर फाउंड इन, मीन्स दांत के बजाय बलीन जो कि हॉर्नी प्लेट जो माउथ में लटका हुआ होता है वो पाया जाता है, ऑप्शन ए शार्क, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी ब्लू व्हेल, ऑप्शन डी आर्कियोप्टेरिस। तो दांत के बजाय एक बलीन, एक जो कि हॉर्नी प्लेट्स होता है माउथ में, मुंह में लटका हुआ होता है, ये पाया जाता है ब्लू व्हेल में, तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर सी ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन हैज अ पॉइजन ग्लैंड, कौन एक पॉइजन ग्लैंड रखता है, विष ग्रंथि रखता है, ऑप्शन ए वॉल लिजर्ड, ऑप्शन बी स्केलिडन, ऑप्शन सी रैटलस्नेक, ऑप्शन डी मेल प्लैटिपस। तो इनमें से जो जिनमें पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है वो है मेल प्लैटिपस, तो इस लिस्ट में से एक ऑप्शन नंबर डी मेल प्लैटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाउज्ड मैमल्स आर, पाउज्ड मैमल्स हैं, ऑप्शन ए मेटाथेरियंस, ऑप्शन बी प्रोटोथेरियंस, ऑप्शन सी यूथेरियंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो पाउज्ड मैमल्स हैं मेटाथेरियंस, तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर ए मेटाथेरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर आर मेड अप ऑफ, बाल बने हुए होते हैं, ऑप्शन ए अल्फा केराटिन, ऑप्शन बी बीटा केराटिन, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो जो बाल होते हैं ये बने हुए होते हैं अल्फा केराटिन के द्वारा, तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर ए अल्फा केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ मार्सुपियालिया इज, मार्सुपियालिया का उदाहरण है, ऑप्शन ए मैक्रोपस, ऑप्शन बी हॉर्स, ऑप्शन सी रेबिट, ऑप्शन डी एलिफेंट। तो मार्सुपियालिया का जो उदाहरण है वो है मैक्रोपस, तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर ए मैक्रोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल्स, निम्नलिखित में से कौन एक मैमल्स है, ऑप्शन ए सी काऊ, ऑप्शन बी सी हॉर्स, ऑप्शन सी सी माउस, ऑप्शन डी सी हेयर। तो इनमें से जो मैमल्स है वो है सी काऊ, तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर ए सी काऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा इन जिराफ इज, जिराफ में सर्विकल वर्टिब्रा की संख्या होती है, ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 37। तो जिराफ में सर्विकल वर्टिब्रा
की जो संख्या होती है वो होती है 7। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम इज सैंग्यूरस मैमल्स, एक सैंग्यूरस मैमल्स का नाम है। ऑप्शन है टेरोपस, ऑप्शन बी डेस्मोडस, ऑप्शन सी हार्पेटस, ऑप्शन डी और इक्टोलेगस। तो इनमें से जो सैंग्यूरस मैमल्स है मीन्स ब्लड को चूसने वाला जो मैमल्स है वो है डेस्मोडस। तो इस लिस्ट से ऑप्शन नंबर बी डेस्मोडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्स ऑफ द रिवर इज, रिवर का हॉर्स है, घोड़ा है। ऑप्शन ए हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन बी हिप्पोपोटामस, ऑप्शन सी वाटर बफेलो, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो नदी का जो घोड़ा कहलाता है या नदी का घोड़ा है हिप्पोपोटामस। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर बी हिप्पोपोटामस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एनिमल हैज गॉन एक्सटिंक्ट इन रिसेंट टाइम इन इंडिया, मीन्स कौन सा एनिमल भारत में इस समय विलुप्त हो गया है। ऑप्शन ए एसिनोक्स जुबेटस, ऑप्शन बी एंटीलोप सर्बिकैरपा कैप्रा, ऑप्शन सी राइनोसिरस यूनिकॉर्निस, ऑप्शन डी है पैंथरा लियो। तो जो जीव जो कि भारत में इस समय विलुप्त हो गया है वो है एसिनोनिक्स जुबेटस। तो इसलिए सही होगा ऑप्शन नंबर ए एसिनोनिक्स जुबेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी ग्लैंड्स आर विदाउट टीथ या निप्पल इन, मींस मेमोरी ग्लैंड्स जिनमें बिना निप्पल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मेटाथेरियंस, ऑप्शन बी प्रोटोथेरिया, ऑप्शन सी थीरिया, ऑप्शन डी यूथीरिया। तो मेमोरी ग्लैंड्स जिनमें बिना निप्पल के होते हैं या बिना निप्पल नहीं पाया जाता है वो है, वो ग्रुप है प्रोटोथेरियंस का। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया के बताने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें मीन्स टीथ या निप्पल का फॉर्मेशन नहीं होता है, निप्पल नहीं पाए जाते हैं लेकिन मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओविपेरस मैमल्स, मींस निम्नलिखित में से कौन एक ओविपेरस मैमल्स है, मींस अंडे देने वाला मैमल्स है। ऑप्शन ए बैलेनोप्टेरा, ऑप्शन बी ऑर्निथोरिंकस, ऑप्शन सी ट्रोपस, ऑप्शन डी डेल्फिनस। तो इनमें से जो ओविपेरस अंडा देने वाला मैमल्स है वो है ऑर्निथोरिंकस। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोरिंकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टिजियल पेल्विक गर्डल एंड बोन ऑफ हाइंड लिम्ब्स आर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ, मींस वेस्टिजियल पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्ब्स के बोन्स ये किसके करैक्टर्स हैं, लक्षण हैं। ऑप्शन ए व्हेल, ऑप्शन बी ओटर्स, ऑप्शन सी रोडेंट, ऑप्शन डी सार। तो वेस्टिजियल पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्ब्स का बोन्स ये करैक्टर्स है व्हेल का। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर ए व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जूलॉजिकल नेम ऑफ कॉमन हेयर फाउंड इन नॉर्दर्न इंडिया, मीन्स नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाने वाला जो हेयर होता है उसका जूलॉजिकल नाम क्या है। ऑप्शन ए है एटैगडा इंडिका, ऑप्शन बी डेसिपस सेंटिकस, ऑप्शन सी है लेपस रूफी कैडेटस, ऑप्शन डी है और इक्टोलेगस क्यूनिकुलस। तो नॉर्दर्न इंडिया में पाए जाने वाला जो हेयर है जिसका जो कि जूलॉजिकल नेम है लेपस रूफी कैडेटस। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर सी लेपस रूफी एक्यूडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल्स, निम्नलिखित में से कौन एक अंडा देने वाला मैमल्स है। ऑप्शन ए व्हेल, ऑप्शन बी पेंगुइन, ऑप्शन सी प्लेटिपस, ऑप्शन डी कंगारू। तो इनमें से अंडा देने वाला मैमल्स है प्लेटिपस। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी
प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डिफरेंटिएट बर्ड्स एंड मैमल्स, मीन्स निम्नलिखित में से कौन एक लक्षण जो कि बर्ड्स और मैमल्स को भिन्न करता है। ऑप्शन ए मेटानेफ्रिक किडनी, ऑप्शन बी सेवन सर्विकल वर्टिब्रा, ऑप्शन डी पैरेंटल केयर, ऑप्शन डी वन एओर्टिक आर्क। तो बर्ड्स और मैमल्स को जो कि भिन्न करता है, जो करेक्टर से है, जो अलग करता है करेक्टर से, वो है सेवन सर्विकल वर्टिब्रा। तो इसलिए इसमें से एक ऑप्शन नंबर बी सेवन सर्विकल वर्टिब्रा, जो मैमल्स होते हैं उनमें सेवन सर्विकल वर्टिब्रा पाई जाती हैं, इसी वजह से बर्ड से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलोकेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इकोलोकेशन लक्षण है, ऑप्शन ए बैट, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी रैट, ऑप्शन डी इंसेक्ट। तो इकोलोकेशन जो कि कैरेक्टर्स है बैट का, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स डज नॉट हैव अ पिन्ना निप्पल एंड यूट्रस बट हैज अ एब्डोमिनल टेस्टिस, मीन्स कौन निम्नलिखित में से कौन एक मैमल्स है जिसमें ना तो पिन्ना पाया जाता है, ना ही निप्पल पाया जाता है, ना यूट्रस पाया जाता है, लेकिन एब्डोमिनल टेस्टिस पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है स्पाइनी एंटीटर, ऑप्शन बी स्केली एंटीटर, ऑप्शन सी है टू आइड एंटीटर, ऑप्शन डी है बैंडेड एंटीटर। तो ये सब मैमल्स जिनमें पिन्ना निप्पल और यूट्रस नहीं पाया जाता लेकिन एब्डोमिनल टेस्टिस पाया जाता है, वो है स्पाइनी एंटीटर। तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर ए स्पाइनी एंटीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल व्हिच हैव वेल डेवलप्ड इकोलोकेशन सिस्टम लाइक दैट ऑफ बैट, मींस एनिमल जिसमें जो कि इकोलोकेशन सिस्टम डेवलप होता अच्छी तरीके से बैट के अलावा, बैट के जैसा मींस बैट के जैसा, मींस एनिमल जिनमें पूरी तरीके से इकोलोकेशन सिस्टम डेवलप होता है बैट की तरह, वो है ऑप्शन ए वाइल्ड कैट, ऑप्शन बी बीवर्स, ऑप्शन सी प्राइमेट, ऑप्शन डी हेगॉग, ऑप्शन डी व्हेल एंड डॉल्फिन। तो एनिमल जो कि जिनमें वेल डेवलप्ड इकोलोकेशन सिस्टम पाया जाता है बैट की तरह, वो है व्हेल एंड डॉल्फिन। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ई व्हेल एंड डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस कोलेजम आकर्स इन द ब्रेन ऑफ, कार्पस कोलेजम किसके ब्रेन में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए पिजम, ऑप्शन बी क्रोकोडाइल, ऑप्शन सी एलिफेंट, ऑप्शन डी ऑर्निथोरिंकस। तो कार्पस कोलेजम ए पाई जाती है एलिफेंट के ब्रेन में, तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर सी एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर प्राइमेट्स कंटेंट्स, ऑर्डर प्राइमेट्स में पाए जाते हैं रखता है, ऑप्शन ए बैट एंड वैम्पायर, ऑप्शन बी हॉर्स एंड जेब्रा, ऑप्शन डी मंकी एंड मैन, और ऑप्शन डी है श्रू एंड हेडॉग। तो ऑर्डर प्राइमेट के अंतर्गत आते हैं मंकी और मैन, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी मंकी एंड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल विथ एपिप्यूबिक बोन एंड ए कोरियो एलांटोइक प्लासेंटा, मीन्स एनिमल जिसमें एपिप्यूबिक बोन पाया जाता है और कोरियो एलांटोइक प्लासेंटा, वो है ऑप्शन ए अपोसम राइट, ऑप्शन बी कोला बियर, ऑप्शन सी मार्सुपियल बैंडिकूट, ऑप्शन डी है अपोसम। तो एनिमल जिनमें एपिप्यूबिक बोन और प्यूबिक बोन और कोरियो एलांटोइक प्लासेंटा पाया जाता है, वो है मार्सुपियल बैंडिकूट। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी मार्सुपियल बैंडिकूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमल्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मैमल्स किससे ओरिजिनेट हुए थे, उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन ए है एबीज, ऑप्शन बी पिसीज, ऑप्शन सी रेप्टिलिया, ऑप्शन डी एम्फीबिया। तो इनमें से जिसमें मैमल्स जिससे इवोल्यूट हुए थे या ओरिजिनेट हुए थे, वो है रेप्टिलिया। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी रेप्टिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हैज अपोजेबल थंब, मीन्स किसमें अपोजेबल थैम पाया जाता है? ऑप्शन है प्लेटिपस, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी मोल, ऑप्शन डी लेमूर। तो अपोजेबल जो थंब पाया जाता है वो पाया जाता है लेमूर में, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी लेमूर। जो लेमूर होता है उनमें अपोजेबल थंब पाए जाते हैं, जो अंगूठा होता है वो उल्टा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग दिस इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल्स, मीन्स इनमें से किसमें जो एक्वाटिक मैमल्स का सही कॉम्बिनेशन है? ऑप्शन है ट्राइगन व्हेल सील, ऑप्शन बी सील डॉल्फिन शार्क, ऑप्शन डी व्हेल डॉल्फिन सील, ऑप्शन डी है डॉल्फिन सील ट्राइगन। तो इनमें से जो एक्वाटिक मैमल्स का सही कॉम्बिनेशन है वो है व्हेल डॉल्फिन और सील का, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी व्हेल डॉल्फिन सील, ये एक्वाटिक मैमल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाउज्ड मैमल्स आर नोन एज पाउज्ड मैमल्स कहलाते हैं? ऑप्शन है यूथीरियंस, ऑप्शन बी सेटेशियन, ऑप्शन सी प्रोटोथीरियंस, ऑप्शन डी मेटाथीरियंस। तो पाउज्ड मैमल ये जाने जाते हैं या कहलाते हैं मेटाथीरियंस, तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर डी मेटाथीरियंस। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए